दोस्तों आपकी प्रॉब्लम हो और मैं उसका सोल्यूशन नहीं निकालूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। दोस्तों आप में से एक व्यूअर ने मुझे कमेंट किया था कि अगर हिडन एल्बम यानी कि प्राइवेट एल्बम से कोई फोटोज या फिर वीडियोस डिलीट हो जाती है तो उसको रिकवर कैसे करें। तो मैंने बहुत ट्राई किया, इधर उधर ट्राई किया, प्रैक्टिकल किया अपने अलग अलग मोबाइल पर कि कैसे इसको हम रिकवर कर सकते हैं, लेकिन सोल्यूशन मेरे सामने ही था। वो सोल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो में अगर नए हैं, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपनी प्राइवेट एल्बम में जाएंगे, सारी चीज़ें प्रैक्टिकल करके मैं दिखाऊंगा आपको। गैलरी में जाते हैं और गैलरी में जाने के बाद प्राइवेट एल्बम में जाने के लिए हमको एल्बम पर जाते हैं, स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पर पासवर्ड मांगता है। उसके बाद हम अपने हिडन एल्बम में आ जाते हैं। आप देख सकते हैं कि प्राइवेट एल्बम में बस दो ही फोटोज़ हैं। चलिए अभी मैं बैक जाता हूँ और बैक जाने के बाद यहाँ पर एल्बम फ़ोटोज़ में मुझे बाहर चार फोटोज़ हैं, यहाँ पर इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ चारों को। अब पहले हम इसको हिडन एल्बम में सेंड करेंगे। सेंड करने के लिए यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद हिडन एल्बम में सेंड करने के लिए यहाँ पर ऐड टू एल्बम करेंगे, उसके बाद प्राइवेट एल्बम एंड ओके कर देंगे। अब ये चारों फोटोज यहाँ से चले गए हैं प्राइवेट एल्बम में यानी कि हिडन एल्बम में। अब हिडन एल्बम में जाने के लिए हमको एल्बम पर क्लिक करना है, उसके बाद स्क्रॉल डाउन, थोड़ी सी ये प्रॉब्लम करेगा, इसको एक बार बैक कर लेते हैं, अदरवाइज़ ये ऐसे ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है। हाँ, अब स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अब जाएंगे हम हिडन एल्बम में। उसके बाद आप देख सकते हैं कि जो भी चारों फोटोज़ मैंने सेंड किए थे वो यहाँ पर आ गए हैं ऊपर। उसके बाद यहाँ से हम इसको डिलीट करते हैं, चारों फोटोज़ को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद यहाँ से डिलीट का ऑप्शन आता है, डिलीट कर दिया हमने फ़ोटोज़। अब क्या करना है, इसको रिकवर करना है। कैसे ये फ़ोटोज़ को लेकर आए, आप देख सकते हैं कि हिडन एल्बम में भी नहीं है, उसके बाद हमारे गैलरी में भी नहीं है, ये फ़ोटोज़ यहाँ से गायब हो चुके हैं तो चलिए दोस्तों अभी इसको हम रिकवर करने के लिए यहाँ पर एल्बम पर क्लिक करेंगे और ट्रैश बिन का ऑप्शन आता है, यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे। ये सामने ही है, आपके मोबाइल में दिख जाएगा, मैं बहुत परेशान था बट मेरे सामने ही था, फाइनली मिल गया मुझे। यहाँ पर अगर आप यहाँ पर क्लियर ट्रैश करेंगे तो ये फ़ोटोज़ यहाँ से डिलीट हो जाएंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे और अगेन यहाँ पर अपना हिडन एल्बम पासवर्ड डालेंगे तो ये फ़ोटोज़ को आप देख सकते हैं, राइट, फ़ोटोज़ को आप देख सकते हैं। अब क्या है, इनको रीस्टोर करने के लिए यहाँ सेलेक्ट कीजिए और चारों को एक साथ सेलेक्ट कर लीजिए और रीस्टोर का ऑप्शन नीचे यहाँ पर आ रहा है, इसको क्लिक कर लीजिए। अब यहाँ से ये फ़ोटोज़ आपकी अगेन हिडन एल्बम में जाएगा, ना कि आपके फ़ोटोज़ में, राइट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ़ोटोज़ में नहीं है, हिडन एल्बम में है। यहाँ पर आपको हिडन एल्बम में अगेन जाना है और पासवर्ड डालना है। आप देख सकते हैं कि चारों फ़ोटोज़ यहाँ पर आ गए हैं। अगर आप इनको अपने मेन गैलरी में ले जाना चाहते हैं तो सेलेक्ट कीजिए, चारों को सेलेक्ट कर लीजिए, जितना सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर लीजिए। उसके बाद रिमूव फ्रॉम प्राइवेट एल्बम और आप देख सकते हैं कि कहाँ पर भेजना चाहते हैं, कैमरे में भेज दिया। अब ये फोटो, चारों फोटो बाहर आ गए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चारों फोटो बाहर आ गए हैं। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, सॉल्व हुई है तो एक तुरंत लाइक कीजिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।